Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एमडी कैट का एग्जाम हुआ है। बहुत सारे बच्चियां बच्चे इसमें अपेयर हुए, कुछ बच्चे इसमें पास हो गए, सक्सेसफुल हुए, कई बच्चे फेल हुए, उनकी मतलब के परसेंटेज कम आई। अब इसमें ये मेरी वीडियो आज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी परसेंटेज कम आई है और वो परेशान है कि अब हम आगे क्या करें, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होगा, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है। देखें कि यहाँ पे जो पहली बात बताने का मकसद है कि आप देखें, आपने बनना है डॉक्टर, क्या बनना है डॉक्टर, आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो फिर भी डॉक्टर है। आपका अल्टीमेट जो गोल है, देखें कि हर चीज का एक आउटपुट गोल होता है, आपने लोगों को सर्विसेज देनी है, लोगों को मेडिकली ट्रीटमेंट करना है, तो आप उसमें सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी तो नहीं कि आप उसमें जैसे फिजियोथेरापिस्ट बन जाते हैं या कोई भी और अल्टरनेट ऑप्शंस को चूज करते हैं, तो उनका भी पर्पस सेम यही है। क्या है, यही पर्पस होता है। आप मतलब एमबीबीएस करके वही आपने मरीजों को चेक करना है, वही ऑपरेट्स करने हैं, वही सर्जरीज करनी है, तो सेम लाइक आप मतलब अल्टरनेट ऑप्शंस को चूज करके भी इन्हीं लोगों को सर्विस दे सकते हैं। अब जो वीडियो बनाने का मकसद है कि एक तो थोड़ा सा आपको इनकरेज करना था कि आप परेशान ना हो, इसके अल्टरनेट ऑप्शंस को चूज करें जो कि मतलब कॉस्टली भी कम हो, जिन पे आपका पैसा भी कम लगे, एडमिशन भी आसानी से हो जाए और जिसका स्कोप भी ज्यादा हो और आप अपनी लाइफ भी अच्छी गुजारें और आप अर्न भी ज्यादा करें, मतलब मेन पर्पज ये है। अब देखें कि सबसे पहले एमबीबीएस में जो बच्चे हो गए उनके वैलिड कोर्स, जो नहीं हुए उनके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो इस वक्त फोरेंसिक का बहुत ज्यादा स्कोप है। क्या है, फोरेंसिक साइंसेस का। अब फोरेंसिक साइंसेस क्या होती है कि आपके लिए नया है क्योंकि आपने एफएससी की हुई है, उसे आगे का आपको भी आइडिया नहीं कि फोरेंसिक एक्चुअल होता है क्या। देखिए, फोरेंसिक का मतलब होता है कि हर एक इंसान का डीएनए यूनिक होता है, तो डीएनए बेस पे अगर आपको कोई एक टुकड़ा भी मिल जाता है किसी की बॉडी का पीस का, या कोई ब्लड सैंपल्स मिल जाते हैं, कोई किसी चीज पे हाथ लगा हुआ, तो उसको भी टेस्ट करके ये पता चल जाता है कि इसका फलां डीएनए के साथ मैच होता है। तो ये जो डीएनए मैच करना होता है इसको बेसिकली फोरेंसिक साइंसेस कहा जाता है। ये फोरेंसिक साइंसेस की इतनी ब्रॉडर डोमेन है और आने वाले टाइम में इतना ज्यादा इस पे काम होगा कि अभी देखें जो भी इस वक्त पुलिस में जाता है केस, उस केस का सबसे पहले फोरेंसिक होता है, तो उस फोरेंसिक वो फोरेंसिक लेबोरेटरीज के अंदर होता है। तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हैं, आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और एक अच्छा आपको एज भी मिलेगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और प्लस इसकी इतनी ज्यादा कॉस्टली भी ये डिग्रीज नहीं है। दूसरा, इसमें आप पुलिस के साथ काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस की जॉब सर अंजाम दे सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी एक रिप्यूटेड और रिस्पेक्टेड जॉब आप कर सकते हैं मगर के अंदर, तो एक चीज ये होगी। दूसरा, अब जो बच्चियां बच्चे मतलब एमबीबीएस नहीं किया तो दूसरी ऑप्शन है उनके पास है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की। अब ये बायो मेडिकल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, देखें कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी मतलब मशीनरी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इसके बाद दिल का हॉस्पिटल है, आर्थोपेडिक का हॉस्पिटल है, जो भी दुनिया के अंदर है उसके अंदर मशीनरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, मशीनरी। अब जो डॉक्टर होता है वो तो जाके सीट पे बैठ जाता है, बंदों को चेक करता जा रहा है कि ठीक है इसको फलां बीमारी है, फलां बीमारी है, वो सारे कहीं ना कहीं टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं किसी न किसी मशीन पे होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीनें हैं, इसके अलावा आपके ये डायलिसिस मशीनें, अगर मशीनों की बात करें मतलब हजारों के हिसाब से मशीनें इस वक्त मेडिकल इक्विपमेंट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो क्या दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो आप बायो मेडिकल इंजीनियरिंग करें और इन मशीनों के एक्सपर्ट बने, टेक्नीशियन बने, इन मशीनों को ठीक करें। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ ज़ाती तौर पे जो बायो मेडिकल इंजीनियर्स हैं कि इतने वो हाईली मतलब वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं ना कि अब उनके पेन, अब फॉर एग्जांपल आपने बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की, आपने इनिशियल थोड़ी सी ट्रेनिंग की, किसी एक मशीन का आपने सिर्फ एक्सपर्ट होना है। अब अल्ट्रासाउंड मशीन का ही आप अगर एक्सपर्टीज ले लेते हैं तो आपके मोहल्ले गाँव से लेके तमाम पाकिस्तान के अंदर हर जगह अल्ट्रासाउंड मशीनें पड़ी हैं, आप उसकी अच्छी खासी रनिंग कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड आप ये एक्सरे मशीन कर लें, डिजिटल मशीनें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हैं, लोगों को नहीं पता होता, उसमें बड़े बड़े लोग उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, आप उसकी एक्सपर्टीज गेन करें और उस हिसाब से आप लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। मैं लास्ट एक दोस्त को जानता हूँ, वो डायलिसिस मशीनों का काम करते हैं, तो उसमें वो तकरीबन एक एक मशीन का 5-5 लाख रुपए लेते थे उसको डायग्नोज करने का खाली। तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स पैनल पे आ जाते हैं, उस हिसाब से आप उनको काम कर सकते हैं, तो एक अच्छी अर्निंग है। तो आपने सिर्फ करना क्या है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करनी है, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, डॉ से कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो करवा रही हैं।
तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। दो फील्डें होगी, तो मतलब जो मेरा मेन पर्पज है कि आपको एक बेटर सोल्यूशन, बेटर एक अपॉर्चुनिटी देना है, ताकि आप उसी उनसे ज्यादा अर्न करें जो डॉक्टर कमा रहे थे। देखिए डॉक्टर ज्यादा होगा क्या करेगा, एक उसको 17 स्केल की जॉब मिल जाएगी, कितनी सैलरी होगी, लाख रुपए होगी, इसके अलावा उसका प्राइवेट क्लिनिक होगा, लाख रुपया वहां से कमा लेगा। तो एक बायो मेडिकल इंजीनियर इस वक्त 10 लाख रुपया सिर्फ एक घंटे में वो कमा लेते हैं। कैन यू इमेजिन, इतनी लेटेस्ट मशीनरी आ रही है, लोगों को नहीं आइडिया। तो इस चीज को आप थोड़ा सा फोकस करें और इसे मतलब बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। पहली ऑप्शन फोरेंसिक की, दूसरी ऑप्शन आपकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब तीसरी ऑप्शन, आप ये जितनी भी रेडियोलॉजी की मशीनें होती हैं, जैसे ये अल्ट्रासाउंड की मशीन होगी, ये भी रेडियो एक्टिव वेव्स पे काम करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करती हैं। आप अल्ट्रासाउंड मशीन का कोर्स कर लें, अच्छा कोर्स है, आप उसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये एक्सरे मशीनें जितनी लगी हुई हैं, मतलब कि जितनी भी ये एक्सरे, सीटी स्कैन, ये जितनी भी मशीनें हैं, इनके अच्छी आप अगर रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो एक अच्छा खासा आपको अर्निंग हो सकती है। आप अपनी फायर मशीनें लगा सकते हैं। अभी देखें कि इस वक्त अगर आप लाहौर की बात करें, सरगोधा की बात करें, कराची की बात करें, तो ऐसे मतलब बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पर टोटल 3D एक्सरे हो रहे हैं, आपके डिजिटल मतलब ये 3D अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, डिजिटल ये एक्सरेज हो रहे हैं। तो इससे आप अपना सेटअप बना सकते हैं, पूरा एक सिस्टम बना सकते हैं। डॉक्टरों को आप मशीनरी सप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा आप उनको डायग्नोज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप इनमें अपनी फील्ड गेट कर सकते हैं। अगर एक बच्ची इस अल्ट्रासाउंड का कोर्स कर लेती है, अगर इनकेस, या रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स कर लेती है, तो वो आराम से कोई भी अपनी एक मशीन खरीदे 3-4 लाख रुपए की, मतलब एक सेकंड हैंड मशीन खरीद के जनाब जाके बैठ जाए अपना क्लिनिक बना के, उसके पास क्यों नहीं आएंगे बच्चे। अगर किसी डॉक्टर के साथ भी बैठ जाती है तो फिर भी 50% शेयरिंग पे वो काम कर सकती है बच्चे। तो ये करना तो अल्टीमेट लोगों को सर्व ही है ना, मतलब आपका मेन पर्पज तो वही है। तो ये तीसरी ऑप्शन थी। चौथी ऑप्शन आपकी वेटनरी की डिग्रीज हैं। आप देखें कि इस वक्त वेटनरी की तरफ लोग कम जाते हैं, ये फूड साइंसेज है, इनकी तरफ कम जाते हैं, तो आप इनकी तरफ निकलें। एक अच्छी है मार्केट, मतलब एक वो हमारी सिचुएशन होती है 2 मिनट, एक डिग्री आई MBBS का, हर बंदा कर रहा है, हर बंदा को सोचे कि अगर सब कर लेंगे तो किधर जाएंगे, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज किधर से आएंगी। तो ये भी तो मतलब सेकंड पॉइंट है ना उसमें। तो आप इन चीजों से निकले, वेटनरी साइंसेज की तरफ जाएं, फूड साइंसेज की तरफ जाएं, आप इन चीजों में अपनी एक ग्रिप बनाएं। नो डाउट इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन हाईली पेड जॉब्स हैं ये। क्या है? हाईली पेड जॉब्स हैं। तो अब इसमें अब बाकी रहेगी कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती। देखें कि हर फील्ड बेस्ट होती है, ऐसा नहीं कि कोई फील्ड बुरी होती है। आप उसमें सिर्फ मेहनत कितनी करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, उसके अलावा मार्केटिंग सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, बाहर से जो न्यू चीजें आ रही हैं उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेके आए, न्यू प्रोडक्ट्स को लेके आए, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम क्या है, आप उसे कर सकते हैं, यू कैन डू इट। एक्चुअल यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज कर सकते हैं बच्चे। देखें कि आप अपना दिल छोटा मत करें, जिनके नंबर कम आए हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमारा एक माशरा इस तरह का बना हुआ है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो उसको सारे पिन करते हैं, सारे उसको ट्रिगर करते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर कम है। अब वो सोचते हैं कि आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हर चीज की पॉसिबिलिटीज होती है, उसके अल्टरनेट्स होते हैं। आप जो आप ये देखें कि आप किस में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा आपका शौक है, अगर वो नहीं मिला तो उसके साथ अल्टरनेट्स भी अपने रखें इन शॉर्ट। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद आपको थोड़ा सा गाइड करना था, आपको अल्टरनेट्स देने थे, उसकी पॉसिबिलिटीज बतानी थी, ताकि थोड़ा सा आप बच्चों को आइडिया हो जाए आप उसको किस तरह लेके चलेंगे, किस वे में उनको देखेंगे और किस तरह उनको लीड कर सकते हैं। तो मतलब जरूरी नहीं कि एक डिग्री के पीछे आप सबने लग जाना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, क्योंकि ये वीडियोज आपके लिए, आप नहीं तो कोई ना कोई भाई बहन आपके मुस्तफीद हो रहे होंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।